हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी FY BCom क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। मैथ्स में बात करेंगे यूनिट 4, मतलब 4 यूनिट्स में कंप्लीट आपको करा के देने वाला हूं, जिसमें से कुछ रीजन की वजह से आपके कुछ यूनिट नहीं, आप बोलोगे सीधा टॉपिक वाक्य, एक तो फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, 2-3 बच्चों की डिमांड आई थी सर कि रिमेनिंग जो पेंडिंग आपके वहां पे टॉपिक है, आई थिंक 3 या 4 टॉपिक ही बचा हुआ, वो मैं कवर करा दूंगा बहुत जल्द, मतलब पॉसिबल हुआ तो होली तक आपका कवर हो जाएगा। एंड रिमेनिंग रिग्रेशन इक्वेशन की जब बात करते हैं, मीन्स लीनियर रिग्रेशन की जब बात करते हैं, इसमें 2 टाइप बचे हुए हैं हमारे, कौन से 2 टाइप बचे हुए हैं, तो आज के क्लास में 2 पॉसिबल है भाई, एक एग्जांपल, इसके बाद जस्ट एक और वीडियो आपकी आ जाएगी। टाइप 2 को लेके मैं जिसको नाम दूंगा टाइप 2, यहां से आपका टाइप 2 चालू है लेक्चर नंबर 6 से, तो नाम भी आप देखोगे थंबनेल में मैंने चेंज कर दिया, 2 रिग्रेशन इक्वेशन, वो भी वही था, 2 रिग्रेशन इक्वेशन ही था, बट वो टेबल पैटर्न में था, मैंने समझाया भी था इंट्रोडक्शन क्लास में भाई टेबल पैटर्न में बनेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी पहचान अभी आपको बता देता हूं, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताई थी, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा उन बच्चों का जो स्टार्टिंग से मेरे साथ कनेक्ट है, क्लियर। इसमें ध्यान रखना, फिर से रिपीट करता हूँ, लीनियर रिग्रेशन में 2 टाइप के सम अभी भी बैलेंस है, जिसमें से एक आज चल रहा है एंड लास्ट आपका चलेगा इक्वेशन वाला पैटर्न चलेगा, ये टॉपिक हो जाएगा आपका क्लोज। उसके बाद लास्ट आपका जो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि उसकी कंप्लीट कुछ टॉपिक्स में मुझे परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो मैं सीधा टॉपिक स्किप ही करा दे रहा हूँ 80 मार्क्स का परफेक्ट टॉपिक कराने के लिए। बैलेंस जो बचेगा वो पहले यूनिट का आई थिंक 2 या 3 टॉपिक बचे हुए, वो भी मैं 1 से 2 क्लास के अंदर ही करा दूंगा, मतलब कवर हो जाएंगे, मतलब होली तक आपके पॉसिबल है कि भाई कंप्लीट सब हो जाएंगे, क्लियर है। 80 मार्क्स का मुझे नहीं लगता फिर कोई बैलेंस बचेगा। उसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ डाउट क्लास, जैसा एक क्लास में प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिस बच्चों ने पर्सनल मैसेज या फिर कमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐड किया था, सर इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं प्रैक्टिस करा है, तो उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, क्लियर। आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इनकी पहचान है भाई बहुत सिंपल पहचान, पहले तो पहचान देख लो जरा, पहचान इनकी क्या बता रही है, पहचान है क्वेश्चन का कि एक तो मीन दिया होगा, पहली पहचान है भाई टॉपिक में मीन होगा, सेकंड इनकी पहचान है स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, सीधा पहचान है। टॉपिक हम हमेशा वही पूछेंगे भाई, 2 रिग्रेशन इक्वेशन की बात करेंगे, y ऑन x की बात करेंगे, x ऑन y की बात करेंगे, जैसे सीधा क्वेश्चन पढ़ लो भाई, फॉलोइंग डिटेल्स अपने को दिया है, फाइंड 2 रिग्रेशन इक्वेशन, बोले 2 रिग्रेशन इक्वेशन मेरे को आप बता दो, इसका मतलब दोनों पूछ रहे हैं, x ऑन y भी पूछ रहा है, y ऑन x भी पूछ रहा है। आगे का डिटेल है, एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू, आप मेरे को बताओ y जब x 40 है तो, एंड अगेन पूछ रहे भाई x बता दो जब y की वैल्यू 35 है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज बता रहा हूं भाई कि आप मेरे को वाई बता दो जब एक्स इतना है, एक्स बता दो वाई इतना, बट एग्जाम में आपको बेसिकली एक ही पूछा जाएगा, और ये आपके मनन प्रकाशन से मैंने ये क्वेश्चन लिया, और इसके बाद सीधा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं चलने वाला हूँ। मीन दिया है एक्स का इतना, वाई का इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, और इधर दिया है। आगे बोल रहे एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये देके रखा है 0.65। ये सीधा टॉपिक मैं बोलूंगा फॉर्मूले पे ही चलेगा, जिस बच्चे का फॉर्मूला क्लियर है टॉपिक कर ले जाएंगे, नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। तो सीधा बात करते हैं फॉर्मूले पे, पहचान क्लियर पता चला सर, मीन दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, क्या दिया होगा, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, तो ये टाइप, ये पैटर्न, ये फॉर्मूले पे चलेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं, पहला रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की बात करते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया क्लियर है तो हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फॉर्मूले की जब बात करते हैं, इक्वेशन वाई ऑन एक्स, वाई पहले तो वाई यहां पे पहले आएगा, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, सिंपल फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका, वाई ऑन एक्स की बात किया तो ये फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, जहां पे बी की वैल्यू की बात करते हैं भाई, b की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या है, रिलेशन स्टैंडर्ड y वाले में y ऊपर रहेगा अपॉन में स्टैंडर्ड x,
फॉर्मूला, आई होप हर एक बच्चे को समझा। बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, लिख देना एक्स बार वाई बार, टेबल में अभी आपको दिखा वहाँ से पुट कर देना। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा, भाई टॉपिक एकदम सिंपल था, फॉर्मूला याद हो गया। वाई ऑन एक्स का है सेम ऐसे एक्स ऑन वाई भी होगा, बट वाई ऑन एक्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पे सेटल करते हैं क्वेश्चन, अब काम आएगा अपना। बी का कॉन्सेप्ट क्या है जरा देख लो भाई। रिलेशन, इसका मतलब कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कितना देके रखा है 0.65। रिलेशन कितना है 0.65 इंटू स्टैंडर्ड वाई, स्टैंडर्ड वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है 2.8 अपॉन में स्टैंडर्ड एक्स, स्टैंडर्ड एक्स दिख रहा है 3.1। चलिए कैलसी का यूज करेंगे, 0.65 इंटू 0.65 इंटू 2.8 किया 1.82, आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया होगा, अपॉन में 3.1 डिवाइड बाय 3.1 डिवाइड कर देते हैं सॉरी डिवाइड बाय 3.1 किया कितना आ रहा है 0.5879। आई होप ये हर एक बच्चे का यही आया होगा, क्लियर है? चलिए आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। एक छोटा सा डाउट जो कन्फ्यूजन बच्चों को आता है, सर पॉइंट के बाद कितने नंबर तक जाना है? देखो जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आता एटलीस्ट आपको 4 डिजिट तक जाना है पॉइंट के बाद भाई। 5871 भी लिखा तो भी चल जाएगा, 1 क्यों लिखा समझ रहे हो? पांचवा जो नंबर है आपका भाई 9 है, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर सकते हो। जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वहाँ पे राउंड फिगर आपको करना पड़ता है, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाना रहता है। बट जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर नहीं, फाइनल आंसर आपका इधर आएगा आगे फॉर्मूले में। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है जरा देखेंगे। वाई माइनस वाई बार, तो देख लीजिए जरा आप, वाई माइनस वाई बार, वाई बार मतलब मीन वाई की बात कर रहा है, मीन एक्स मीन वाई कितना है 37। बी कितना है आपका, अभी निकाला आंसर आपने 0.5871, अदरवाइज आप पूरा लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब होता है मीन एक्स की बात कर रहे हैं, मीन एक्स कितना दिख रहा है 43, आप यहाँ पे लिख दो 43। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, वाई माइनस 37 इक्वल टू 0.587 एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो सेम कॉपी हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लाई 43 से कर दो आप, 0.5871 × 43, देन आपका आंसर क्या आ रहा है 25.2453। ठीक है, आई थिंक डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा इसी में चाहिए तो इसलिए अगले स्टेप में आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.587 × −25.2453, 37 यहाँ पे क्या है माइनस, ट्रांसफर करेंगे इधर पे हो जाएगा प्लस, तो वाई इक्वल टू 0.5871 एक्स माइनस 25.2453 प्लस 37 कर दो, प्लस फाइनल आंसर आ रहा है 11.7547, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? सिंपल डॉट टॉपिक भाई, फॉर्मूले पे था, बट आगे अपने को हमेशा ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू दी होती है, मोस्टली दी होती है, तो क्वेश्चन में जाते हैं और एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या दिया है। चलिए यहाँ पे था ना, देखो एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज 40, एक्स की वैल्यू कितना दिया 40, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, व्हेन एक्स कितना दे के रखा है भाई 40, तो एक्स की वैल्यू कितना पुट करेंगे 40, वाई इक्वल टू 0.5871, एक्स की वैल्यू है 40, तो एक्स के प्लेस पे 40 प्लस 11.7547। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 40 करते हैं, तो 0.5871 × 40 किया तो आंसर आया 23.485
फोर प्लस 11.7547 प्लस कर देंगे, प्लस किया प्लस 11.7547 35.2387 ये आपका फाइनल आंसर है। पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो स्टार्टिंग से, क्वेश्चन भी नोट कर लो आप, क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन की पहचान बता चुका हूँ, फॉर्मूला याद करने का सिंपल सा ट्रिक भी है, बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए इसका आंसर आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहिए तो। आपको एग्जाम में यही एक ही पूछेगा, मतलब x on y या फिर y on x। तो हमने अभी प्रैक्टिस क्या किया, y on x, इसी पैटर्न में जैसे आपने क्या किया y on x किया ना, आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो इसी में मैं करा देता हूँ भाई, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा पहले, तो इसी में मैं करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस x on y। सिंपल सा भाई, और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो देखना सिंपल सा उसका अपोजिट काम होगा, जो आपने यहाँ पे किया ना उसका अपोजिट कर दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था भाई, बी इक्वल टू, तो बी की जगह पे आ जाएगा आपका बी वन, क्लियर है। स्टैंडर्ड देखो, अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया, एक्स ऑन वाई, तो एक्स पहले, तो एक्स पहले लिख देना आप यहाँ पे, ये हटेगा, क्लियर है। एक्स पहले है तो एक्स पहले, वाई बाद में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं भाई, R की वैल्यू तो हमारा सेम ही है, 0.65 इंटू स्टैंडर्ड एक्स पहला 3.1, अपन में स्टैंडर्ड वाई बोले तो 2.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 इंटू 0.65, फाइनल सॉरी जो आंसर आया 2.015 अपन में 2.8 डिवाइड बाई 2.8 किया तो आंसर आ रहा है 0.71964 टू समथिंग। तो आप इसको राउंड फिगर कितना पॉइंट के बाद चार नंबर तक जाना है अपना, क्लियर है। अब इक्वेशन क्या था, जैसे मैंने बताया अभी x on y है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, x माइनस एक्स बार, x on y में x माइनस एक्स बार पहले आता है, y on x में y पहले, तो y माइनस वाई बार का कॉन्सेप्ट पहले आता है, और यहाँ बन जाएगा भाई बी वन ब्रेकेट y माइनस वाई बार, क्लियर है। सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार आपको टेबल से दिख जाएगा, एक्स बार बोले तो एक्स मीन कितना 43, वाई बार 37, एक्स बार है 43, एक्स बार है आपका 43, बी वन कितना निकाला आपने, यहाँ पे सामने आंसर दिख रहा है भाई 0.7196, वाई माइनस वाई बार कितना था 37, कितना था 37। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टॉपिक हो जाएगा, इसको आप हटा सकते हो। एक्स इक्वल टू 0.7196 ये हो जाएगा वाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस से माइनस 37 से मल्टीप्लाई करो इसका, 37 इंटू 0.7196 किया तो आंसर आया 26.6252। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा, 43 माइनस है, ट्रांसफर कर दिया तो हो गया आपका पॉजिटिव, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपका सेम ही कॉपी हो जाएगा, माइनस प्लस, तो सिंपल से 43 में से माइनस कर दो, 43 माइनस 26.6252 किया तो आंसर आया प्लस 16.3748, क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये नहीं देखना, टेबल ऊपर ले लो भाई, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसके आगे भी था, इसके आगे ये होगा कि आपको y की वैल्यू दी होगी, व्हेन y इक्वल टू, क्वेश्चन में देखेंगे y कितना दिया था, क्वेश्चन में आप देखिए y कितना है, y 35
तो y 35 तो आप लिख दो, y कितना 35, तो y के प्लेस पे 35, तो x इक्वल टू 0.7196 इनटू y के प्लेस पे 35 प्लस 16.3748, x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 35, 0.7196 इनटू 35 किया 25.186 आया, प्लस ये आपका सेम प्लस करेंगे प्लस 16.3748 कर दिया, फाइनल आंसर मिला 41.5608, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का। पहले नोट करो, पहले आप ये वाला पार्ट आप नोट कर लो, एक्स ऑन वाई वाला। फिर फॉर्मूला एक बार फिर से याद कराने का सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं, पहचान और ट्रिक एक बार नोट कर लो आप साइड में कहीं भी, नोट करवा देता हूँ मैं आपको। चलिए आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। हो गया। अब आप अगर कहीं भी नोट्स बना रहे हो तो दो चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहली तो जैसा मैं लिख लेता था अगर भाई सिंपल सी, इसकी पहचान क्या है? पहचान है कि सर गिवन में दो चीज़ें हमें पता होंगी, एक तो मीन, मीन कौन सा, एक्स बार एंड वाई बार, दोनों का मीन पता होगा और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, बोले तो स्टैंडर्ड एक्स एंड स्टैंडर्ड वाई। सिंपल हो गई इसकी पहचान। बात करते हैं फॉर्मूला जो हार्ड लग रहा है बच्चों को पढ़ना कि सर याद नहीं हो रहा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला तो y ऑन x है और एक है x ऑन y। बेसिकली एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, या तो आपको x ऑन y या फिर y ऑन x, ये दोनों पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट तो हम सीख ही रहे दोनों। अगर इसकी बात किया y ऑन x की बात किया तो भाई फॉर्मूला है सर, मेन इक्वेशन है इनका y माइनस y बार इक्वल टू b x माइनस x बार। y आपका पहला है तो y माइनस y बार पहला रहेगा, सिंपल लॉजिक। x आपका पहला है तो सर x माइनस x बार पहला होगा और यहाँ पे नाम आ जाएगा b1 एंड ये हो जाएगा y माइनस y बार। अब आप खुद से देखिए इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज हुआ है कि भाई x माइनस x बार उठ के इधर आ गया है सेकंड वाले में, और सिंपल सा याद करना भाई y पहले तो y पहले लिख दूंगा, x सर पहले है तो पहले लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बात करते सर b का, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, रिलेशन स्टैंडर्ड y पहले था तो स्टैंडर्ड y अपॉन में स्टैंडर्ड x, सिंपल। और इसमें अगर बात करूं मैं b1 कैसे मिलेगा, रिलेशन में कोई चेंज नहीं, x पहले है तो स्टैंडर्ड x अपॉन में स्टैंडर्ड y, यही पैटर्न तो चला है भाई। तो मतलब ये टॉपिक का सीधा एक ही सम में, मतलब मुझे लगता है भाई इसी टॉपिक में इससे बाहर कुछ पूछते ही नहीं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्योंकि अगर आपकी डिमांड आएगी तो जरूर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दूंगा। बट मुझे लगता है मेन कॉन्सेप्ट आपका करा दिया, पहचान बता दिया, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता दिया, अब आपके ऊपर प्रैक्टिस का गेम है। जितना सम प्रैक्टिस कर लो भाई, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इनफ हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।